ये देख लो कैसे चूस रही है रस, ये लीक से रस के अंदर से। वाह कितनी लंबी लंबी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और जी दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश पाश रहें, ठीक ठाक रहें, और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों मुश्किलात को जो है वो जल्द अज़ जल्द दूर फरमाएँ। आप लोग ज़रा भी परेशान ना हुआ करें, कोई भी परेशानी हो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला जो है वो सबकी परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह अगर परेशानी जो है वो देता है तो वही जो है वो दूर करता है। एक आजमाइश होती है तो हमें उसे पूरा करना होता है। बस खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें, यही ज़िंदगी है। और जी मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए इतने दिन के बाद जो है व्लॉग लेके। मैं जो है ना वो बहुत कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं जल्द अज़ जल्द जो है व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ। रिकॉर्ड भी किया हुआ होता है, बस क्या होता है कि एडिट करने में ना कोई वो मेरी जान जो है ना वो पता नहीं जा रही होती है, और फिर फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनकी वजह से फिर जो है ना वो यूट्यूब मेरा जो है वो एक तरफ रह जाता है। लेकिन मेरी यूट्यूब की जो है वो एक प्यारी सी फैमिली बन गई है, तो उनके लिए जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड करनी ज़रूरी ही होती है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह जो है वो यहाँ पे नाश्ता करने। बेटी की क्लास थी ऑनलाइन 2 घंटे के बाद, तो हमने कहा क्यों ना हम बाहर से जो है वो नाश्ता करके आ जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा सा है, जो फिर जो है वो नाश्ता करने में मज़ा भी आता है। फिर बस घर आ गए थे 9 बजे, और उसकी क्लासेस थी वो ली, उसके बाद जो है वो दिन भर के काम। और यहाँ बच्चे जो है वो कुरान पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका छोटा सा क्लिप जो है वो शेयर करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فيسي بارو بسم الله كركي بسم الله الرحمن الرحيم नहीं पढ़ो 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 नहीं पुल कल हेलो हेलो बिन्नास पहले किन्नास इलाहिन्नास वालेकुम। क्या हाल है आप सबके मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और अभी जो है मैं आपको दिखाने लगी हूँ कुछ, ये देखें, ये नज़र से सही नहीं आ रहा, लेकिन ये है फुल फुल चांद, खूबसूरत बहुत प्यारा चांद जो है वो। अच्छा जी, थर्सडे वाले दिन के जो है व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये फ्राइडे थर्सडे का यानी मैं आपके साथ ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ जो मैं करके आई थी। जब ऑफ़र वगैरह लगती हैं मैं किस तरह से जो है वो सेविंग्स कर लेती हूँ, इस तरह जब सेल पे लगती है चीज़ें तो मैं उसी वक्त जाके जो है वो ग्रॉसरी करके आती हूँ। अगर आगे पीछे आप जाएँ तो फिर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल बनता है, और आप वही चीज़ जो है बाद में देख रहे होते हैं वो सेल पे लगी हुई होती है, और जो है फिर हम सोचते हैं ये क्या हमने तो महंगा ख़रीद लिया। लेकिन इस तरह मैं करती हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की हुई है, और उसमें तमाम जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ की मेरे पास जो है वो ऑफ़र्स आती रहती हैं। जिस तरह से कीमा मैंने लिया था 11 रियाल के 2 ले लिए थे, वैसे एक ख़रीदो तो 7.5 रियाल का मिल जाता है। जिस तरह ये फ़िश है ये भी मुझे 8 रियाल की मिली, और 1 kg है पूरी, और इतनी साफ़ सुथरी होती है। जैसे ये ब्रेस्ट पीस हैं चिकन के, ये मैंने ख़रीदे हैं 21 रियाल के 2 kg, और फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने 10 रियाल के ख़रीदे हैं 2.5 kg ख़रीदे हैं। इस तरह से जो है वो यही जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं तकरीबन जब ऑफ़र वगैरह नहीं लगी होती तो यही 15 से 20 रियाल तक के आपको जो है वो 2.5 kg मिल रहे होते हैं, और फिर हम लोगों को वही ख़रीदना पड़ता है क्योंकि हमने जो है वो ग्रॉसरी करने अब हम निकल चुके होते हैं। तो यही मैं आपको बताने का मेरा मकसद यही है कि जब भी सेल वगैरह लगे तो फ़ौरन से जाके ले लिया करें, क्योंकि सेल पे लगने जब हम चीज़ ख़रीदते हैं उसमें कोई शर्म तो होती नहीं है, बल्कि हम तो अपना ही फ़ायदा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मैं लेकर आई थी, और ये सब चीज़ें भी तकरीबन सेल पे ही हैं। जैसे ये केक का जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये 7.5 रियाल का मैंने ख़रीदा था, और ऑयल मैंने इसलिए छोटा ख़रीदा है क्योंकि मुझे जो है वो कहीं और से लेना है, वो भी उसमें भी बहुत अच्छे से जो है वो पैसे बच जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं ख़रीदूँगी। और यहाँ पर जो है वो सारी जो है वो डेली यूज़ की जो है वो चीज़ें वगैरह ख़रीदी हुई हैं मैंने। तकरीबन इसका सारा का सारा जो है वो बिल बना था
260 रियाल। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने चिकन भी जिसमें इंक्लूड है और बटर भी, वह मैंने आपके साथ नहीं दिखाया लेकिन वो भी इसमें इंक्लूड है। और ये सारी चीज़ें तकरीबन 2 वीक के लिए जो है वो इनफ होती हैं। अच्छा ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह ये तो हर हफ्ते में जो है वो आ ही जाती हैं थोड़ी बहुत, ब्रेड वगैरह भी, लेकिन जैसे चिकन वगैरह है ये सब चीज़ें जो हैं, कीमा, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी दिन चल जाती हैं। और जनाब यहाँ पे जो है वो बारी आ जाती है लंच की, और लंच की रेसिपी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो है वो मैंने इस तरीके से जो है वो ये बुखारी राइस बनाए थे, लेकिन जो है ना मुझे ये तरीका सही नहीं लगा, इसलिए मैंने आपके साथ फुल रेसिपी नहीं शेयर की, बस मैं आपको जो है फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और जो मेरी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है वही आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बुखारी राइस की। और बस इसके ऊपर मैं भी गार्निशिंग वगैरह करूँगी, और हम लोग जो है वो करने लगे हैं अपना फ्राइडे का जो है वो मज़ेदार सा ये लंच। अच्छा जी शाम के टाइम हम लोग जो है वो निकल गए थे बाहर, हस्बैंड की छुट्टी थी और बच्चों को लेके जो है वो बाहर जाना ज़रूरी होता है वीकेंड पे, तो पहले मैं सिटी सेंटर जो है वो मॉल गई थी, वहाँ मैंने कहा चलो कुछ देख लेती हूँ, कुछ सेल वगैरह लगी हुई है सेंटर पॉइंट पे जो है वो लगी हुई है काफ़ी अच्छी सी सेल, शू मार्ट पे और बच्चों की जो है बेबी शॉप उस पर भी लगी हुई है, तो मैंने वहाँ से बच्चों के लिए कुछ जो है वो कपड़े ख़रीद लिए थे, थोड़े से ख़रीदे और वो मैं आपको जो है वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। यहाँ हम लोग जो है वो मगरिब के टाइम वहाँ से निकल गए थे मॉल से, और बच्चों को जो है वो पार्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मंज़र मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, सो मैंने इसे जो है वो रिकॉर्ड कर लिया आप सबके लिए, और हम लोगों ने ले ली है अपने लिए यहाँ पे चाय। अच्छा अभी आप लोग को जो है वो सुनाऊंगी अपने हस्बैंड की जो है वो एक मज़े की जो है वो बात सुनाऊंगी, वो जब भी मैं चाय लेती हूँ ना वो यही कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चाय लोगी दोबारा तुम्हें पसंद नहीं आती, और मैं जो है पूरे जो है वो कतर में ढूंढ ढूंढ के हर जगह से तुम्हें चाय पिलाता हूँ और तुम्हें जो है वो मज़े की लिए लगती, और अगेन मैं वहाँ से बिल्कुल भी जो है वो राज़ी ही नहीं होती कि मैं दोबारा वहाँ से जो है वो चाय पीऊँ। कहें कहें दोबारा मैं दो जगह से इसलिए कराया हूँ ये चाय कि जो अच्छे लगे वही तू पी ले। हाँ। अगली दफा फिर इधर से ही लेंगे दोबारा। अच्छा क्या मसला है आपके लिए पूरे कतर में, क्यों बन गया कहीं से भी नहीं अच्छी लगती किसी तो मैं क्या करूँ, सिर्फ मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है। अच्छा वैसे जो है अब जो है पार्क्स वगैरह में जो है वो झूले वगैरह बच्चों के लिए उन्होंने खोल दिए हैं, तो फिर हम लोग भी अपने बच्चों को जो है वो यहाँ लेके आ गए हैं, क्योंकि अब हर जगह पे सी साइड वगैरह पे भी जाना इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सर्दियाँ हैं और इस तरह से इन प्लेसेस पे जाने में जो है वो मज़ा नहीं आता, और बच्चे जो है फिर घर पर बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो हम लोग पार्क हम बच्चों को जो है वो पार्क ले जाते हैं, तो ये अलविदा पार्क हम लोग आ गए थे और अभी वेट कर रहे हैं। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि दोपहर में थोड़ी सी गर्मी थी और अभी जो है वो शाम में सर्दी हो गई है, हम लोग जो है वो जैकेट्स वगैरह हस्बैंड गए हुए थे गाड़ी से जो है वो लेने, और यहाँ अब जो है ये बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं, तो बस हम लोगों का जो है वो वीकेंड इसी तरह गुजरता है, कभी हम लोग जो है वो किसी के साथ जो है वो किसी के घर चले जाते हैं, कभी अपने अकेले ही जो है वो अपनी जो है वो इन्जॉयमेंट करके आ जाते हैं, तो यही जो है बस सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा आप लोगों को जो है वो अपडेट दे देती हूँ अपनी लाइफ में क्या हो रहा है आजकल, और ये सब जो है थोड़ी बहुत जो है बच्चों की मैंने चीज़ें ख़रीदी थी वो मैं लेकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक और चीज़ जो है वो मैंने ख़रीदी है लेकिन वो मैं वक्त आने पे आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी, वो सरप्राइज़ ही रहने दीजिए। अच्छा ये बच्चों के मैंने शूज़ यहाँ से ख़रीद लिए थे और साथ में मैंने इनकी 2 शर्ट्स ख़रीदी हैं, और बड़ी वाली के लिए जो है वो एक पैंट ख़रीदी थी, छोटी का साइज़ मुझे सही से नहीं मिल रहा था, सो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो ले लूँगी, और ये बहुत अच्छे से जो है वो मुझे शूज़ मिल गए थे, तो बस यही सारी शॉपिंग है आपके साथ थोड़ी बहुत जो है वो शेयर कर दी है, और आज का जो व्लॉग है यही था सारा कुछ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी से जो है मैं ब्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखना पसंद है, मैं डेली रूटीन के ब्लॉग शेयर करूँ तो वो भी ईजी रहता है। वो जल्दी जल्दी से आपने अपनी पूरी रूटीन बनाई और आपके साथ जो है वो शेयर कर दी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता के बताइएगा ज़रूर, ऑप्शन दे दिएगा या फिर अपने जो है वो आइडियाज़। तो जब तक के लिए मैं ले लेती हूँ आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी और ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।